नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की ताजा खबर में। कोरोना संकट के कारण लाखों करोड़ों प्रवासी मजदूर अपने गांव लौट चुके हैं। इन्हें रोजगार देने के मकसद से मोदी सरकार ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू करने का फैसला किया। 20 जून को खुद प्रधानमंत्री मोदी इस मिशन की शुरुआत बिहार से करेंगे। उससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हमने पूरी देश में 116 जिलों की पहचान की है जहां बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर घर वापस हुए हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान में प्रवासी मजदूर बड़ी संख्या में घर लौटे हैं। उनके लिए रोजगार उपलब्ध करवाना हमारी पहली प्राथमिकता है। बता दें कि आत्मनिर्भरता भारत पैकेज में भी इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मनरेगा का बजट 40,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,00,000 करोड़ कर दिया है। इन लोगों को रोजगार देने के मकसद से गरीब कल्याण रोजगार अभियान को 125 दिनों के लिए लागू किया जाएगा। इसमें सरकार की 25 स्कीमें शामिल की जाएंगी। प्रवासी मजदूरों की मदद से सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगी। जानकारी के लिए बता दें कि इन 6 राज्यों के 116 जिले में करीब 67,00,000 प्रवासी मजदूर वापस हुए हैं। इन 116 जिलों में बिहार में 32, उत्तर प्रदेश में 31, मध्य प्रदेश में 24, राजस्थान में 22, उड़ीसा में 4 और झारखंड में 3 जिले शामिल है। इस गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत कामगारों को स्किल के हिसाब से 25 सरकारी स्कीम के काम दिए जाएंगे। इस आधार पर इससे कम से कम 25,000 मजदूरों को जरूर लाभ मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।